पूरे इंडिया में एक्सटेंसिवली यूज होने वाला गूगल आज शायद इंडिया को ही मोनोपोलाइज कर रहा है। यस यू हर्ड दैट करेक्ट। गूगल ने इंडियन मार्केट में कंपटीशन को किल करके खुद की मोनोपोली एस्टैब्लिश कर दी। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों अगर आपको इंटरनेट यूज करना हो तो गूगल सर्च इंजन, एप्स डाउनलोड करना हो तो गूगल प्ले स्टोर और स्मार्ट टीवी लेना हो तब भी एंड्रॉइड ओएस वाले टीवी ही मिलते हैं। आखिर एक कंपनी इंडियन मार्केट में इतना डोमिनेट कैसे कर पाई? वेल इसका आंसर है कि गूगल ने ये पूरा मार्केट काइंड ऑफ थोड़ा बहुत इलीगल मीन से कैप्चर किया है। एटलीस्ट दिस इज व्हाट गवर्नमेंट सेज। वेल हाल ही में 20th अक्टूबर 2022 को CCI ने गूगल पर 1300 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया है और 25th अक्टूबर 2022 को पूरे 936 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया है। इन पेनल्टीज के पीछे का एक ही मुख्य कारण एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस। बेसिकली कंप्लेन ये थी कि गूगल अपने प्ले स्टोर पेमेंट सिस्टम और एंड्रॉइड ओएस की मदद से इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब ऑफकोर्स ये एलिगेशन एक्सट्रीमली सीरियस है एंड गेस व्हाट, CCI के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि एक्चुअली ये ट्रू भी है। अब वास्तविकता में गूगल ये सारे एक्टिविटीज इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि बेसिकली वो अपने क्लाइंट्स को कई सारे फिशी एंड रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसमें से सबसे मेजर है क्लैंडेस्टाइन एग्रीमेंट विद OEMs। सो बेसिकली किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने फोन पर प्रोवाइड करने से पहले MADA एग्रीमेंट को कंपल्सरीली साइन करना होता है। अब इसमें बेसिकली गूगल ये ऑब्लिगेशन डालता है कि उस एंड्रॉइड डिवाइस में पूरा का पूरा गूगल मोबाइल सुइट GMS यानी सारे गूगल के एप्स मैंडेटरीली प्री इंस्टॉल्ड होंगे, वो भी बिना अनइंस्टॉल ऑप्शन के। सो इससे एसेंशियली गूगल की स्ट्रेटजी ये है कि अपने फोन्स में सिर्फ गूगल के एप्स अवेलेबल होने से बाकी कंपटीशन ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा और साथ में लोग भी सिर्फ गूगल एप्स को ही यूज कर पाएंगे। इससे लोगों को जैसे जैसे आदत लगती जाएगी वैसे वैसे उनका किसी दूसरे ऐप पर स्विच होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। Seems like a well thought about strategy, right? Well, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप बिलीव नहीं करोगे बट अभी कुछ साल पहले MADA एग्रीमेंट के कुछ क्लॉजेस लीक हुए थे जिसे सुन के गूगल का पूरा कॉम्पिटिटिव नेचर क्लियरली सामने आ गया। So, सबसे पहले गूगल मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ऐसी कोई भी चीज करने से रोकता है जिससे एंड्रॉइड को खतरा हो सके। मतलब बेसिकली आसान शब्दों में ये क्लॉज एंड्रॉइड फोक यानी एंड्रॉइड को अपने हिसाब से मॉडिफाई या अपडेट करने से रोकता है। अब बात करते हैं दूसरे क्लॉज की। सो 8th फरवरी 2018 को जब गूगल पर CCI ने पहली बार 135 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की थी तब ये सामने आया था कि गूगल सेलफोन्स पर सिर्फ अपनी सर्च इंजन प्रोवाइड करके इंडिया में मार्केट कॉम्पिटिशन एंड कर रहा है। तीसरे में OEMs को मैंडेटरीली अपनी मंथली सेल्स रिपोर्ट गूगल को भेजनी पड़ती है, जिसे ऑफ कोर्स ये साफ समझ में आता है कि गूगल अपने यूजर्स के डेटाबेस का ट्रैक रिकॉर्ड सब अपने पास रखता है। एंड लास्टली मैन्युफैक्चरर्स को ऐसे सभी वायरसेस और वल्नरेबिलिटी कॉजिंग एप्स जिसे एंड्रॉइड को खतरा हो सके उनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अब ये क्लॉज में क्या गलत है? एक सिक्योरिटी मेजर है आप कहोगे, बट जरा शांति से सोचो, इससे गूगल प्लेटफॉर्म पर कौन से एप्स आएंगे और कौन से नहीं, इस चीज को लेकर पूरी की पूरी पावर गूगल को मिल जाती है। एंड डोंट फॉरगेट, ये सारे क्लॉजेस तो बस MADA यानी MADA के अंडर ही आते हैं जो कि सिर्फ एक एग्रीमेंट है। गूगल का एक सेकेंड एग्रीमेंट भी है जिसे भी काफी रिपोर्ट किया गया है, जो है RSA रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद गूगल अपने प्ले स्टोर ऐप के अलावा किसी भी एप स्टोर को एंड्रॉइड OS पर अलाउ नहीं करता। अब ऐसा करने से गूगल को दो फायदे मिलते हैं, उसके ऐप स्टोर से एड रेवेन्यू मिलते रहता है और दूसरा ऑब्वियसली गूगल का मोनोपोली इस क्लॉज के तहत मेंटेन रहता है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे मोनोपोली सेट करना सही है, क्योंकि ऐसे वैल्यू बढ़ाने के बाद जब जब उस कंपनी पे कोई केसेस हुए उसको भुगतना पड़ता है और वैल्यू बिलियंस में डाउन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इन मेजर ब्रांड्स को ही देख लो, एक दिन में 232 बिलियन का लॉस। अब इसमें सोचो कितने इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ होगा। आज के टाइम पे कितने इन्वेस्टर्स अपने मनी से मनी अर्न करने के लिए, अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए और इन्फ्लेशन से बचने के लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन फिर ऐसे केसेस हो जाते हैं और लोगों की जिंदगी भर की कमाई का लॉस हो जाता है। अब मैंने आपके सामने जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाया उससे स्टडी करने में मुझे लिटरली 10 मिनट लगे हैं और इस 10 मिनट के पीछे रविंद्र भारती जी के 18 साल के एक्सपीरियंस का हाथ है। इनफैक्ट इनके एक्सपीरियंस से आज 1,70,500 स्टूडेंट्स मार्केट को लर्न करके अर्न करना सीख रहे हैं और ये आप भी सीख सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू इस चैनल भारती शेयर मार्केट। ये चैनल बाकी ब्लॉग्स, प्लेटफॉर्म्स, एप्स, फोरम्स और एक्सपर्ट्स के जैसा बिल्कुल नहीं है जो आपको यू नो उनपे डिपेंडेंट बनाएगा, बल्कि ये आपका डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट बनाने पर फोकस करते हैं। इनके 300 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज होने की वजह से इंडिया ही नहीं बल्कि 32 देशों में ये लोगों को ट्रेन करके उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर रहे हैं, जो बेसिकली ये प्रूफ करता है कि इनके सर्विसेज कितने रिलायबल है और इसी वजह से मेरा भी ट्रस्ट इन पर है। और सिर्फ कोर्स के द्वारा ही नहीं बल्कि टीवी के द्वारा भी अपने
स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्सपर्टीज और गाइडेंस ये हर दिन लोगों के साथ शेयर करते हैं। सुबह 10:30 बजे और दोपहर को 12:30 बजे और 3:30 बजे TV9 Zee मराठी, गुजराती और हिंदी में इनके शो आते हैं। और उसके साथ भारतीय शेयर मार्केट में आप फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और फ्री ट्रेडिंग एडवाइजरी का भी बेनिफिट उठा सकते हो। और यहाँ पर आपको प्री मेड मॉडल बेस्ड सॉल्यूशंस नहीं बल्कि रियलिस्टिक और पर्सनलाइज्ड एडवाइस मिलेगी, जिसके बारे में और जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। तो अगर आप भी फ्रेंड्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से अभी गूगल फॉर्म को फिल करो या फिर भारतीय शेयर मार्केट हिंदी या मराठी चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। इट वुड डेफिनेटली बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर अ बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर। और अब बढ़ते हैं दोबारा हमारे वीडियो की ओर। अब बढ़ते हैं गूगल के तीसरे रिपोर्टेड फिशी एग्रीमेंट की ओर, जो है स्मार्ट टीवी एग्रीमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप 2019 के इंडियन स्मार्ट टीवी के सेल्स को देखोगे, 5 में से 3 स्मार्ट टीवी जो बिके थे वो एंड्रॉइड पावर्ड स्मार्ट टीवी थे। जाहिर सी बात है, इससे गवर्नमेंट का शक गूगल पर गया और ठीक एक साल बाद साल 2020 में गूगल पर एक और एंटी ट्रस्ट केस फाइल हुआ, जिसमें गूगल को अपने एंड्रॉइड ओएस का यूज करके स्मार्ट टीवी मार्केट को अब्यूज करने के एलिगेशंस लगे। सो बेसिकली गूगल हर टीवी मैन्युफैक्चरर से अपने स्मार्ट टीवी में एंड्रॉइड ओएस इंस्टॉल करने के पहले कंपल्सरीली एक एग्रीमेंट साइन करवाता है, जिसमें ये क्लियरली लिखा होता है कि वो एंड्रॉइड ओएस के अलावा किसी भी दूसरे ओएस को अपने किसी भी डिवाइस में यूज नहीं करेंगे। देखो आसान भाषा में अगर समझाऊं तो Xiaomi का ही केस ले लो, जो कंपनी एंड्रॉइड फोन और स्मार्ट टीवी ये दोनों भी डिवाइसेस बनाती है। तो इस एग्रीमेंट के तहत Xiaomi अपने स्मार्ट टीवी में एंड्रॉइड के अलावा कोई भी ओएस जैसे Amazon Fire नहीं सेल कर सकता। और अगर वो पहले से Amazon Fire OS वाला कोई टीवी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा तो Xiaomi अपने एंड्रॉइड फोन्स पर प्ले स्टोर ऐप प्री इंस्टॉल्ड नहीं दे सकता, जिससे मोबाइल और स्मार्ट टीवी सिंक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज प्ले स्टोर सारे इंडियंस की एक बेसिक नीड हो चुकी है एंड गूगल अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल। और इसीलिए तो गूगल ने इसे एक और एक तरीके से मॉनिटरीली एक्सप्लॉइट करने के लिए अपना एक अलग सिस्टम बना डाला है, द प्ले स्टोर पेमेंट सिस्टम। सो गूगल प्ले स्टोर, जिस पर 3 मिलियन से भी ज्यादा एप्स लिस्टेड है, इस इतने बड़े एप स्टोर के खिलाफ कई इंडियन स्टार्टअप्स और स्मॉल डिजिटल कंपनीज ने CCI से कंप्लेन की है। कंप्लेन ये है कि गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी डेवलपर्स पर खुद के पेमेंट सिस्टम्स इंपोज कर रहा है। सो सिंपली इस पॉलिसी के तहत गूगल डेवलपर्स पर ये कंपल्शन डालता है कि उनके ऐप स्टोर पर लिस्टेड पेड ऐप की पेमेंट रिसीव करने के लिए डेवलपर्स को गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम GPBS को ही यूज करना होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन डेवलपर्स को इन पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर को कमीशन देना पड़ता है। बट चलो ये कमीशन भी मेन इशू नहीं है, असल प्रॉब्लम तो ये है कि जहां पर बाकी पेमेंट एग्रीगेटर्स सिर्फ 0-3% फी ही चार्ज करते हैं, वहीं यहां पर GBPS मैसिव 30% का फीस चार्ज करता है। इट इज सो डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी कि गूगल ये कमीशन अपने एप्स पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल YouTube प्रीमियम पर जो भी पेमेंट्स होते हैं, YouTube को उसका कमीशन गूगल को देने की जरूरत ही नहीं है। अब इससे गूगल को हैवी प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा GBPS सिस्टम का इंडिया में मोनोपोली एस्टैब्लिश हो रहा है। एंड माइंड यू, आज की तारीख में तो गूगल इंडिया के लिए एक मार्केट मोनोपोलिस्टिक रिस्क ही नहीं बल्कि एक पोटेंशियल साइबर थ्रेट भी हो चुका है। वो ऐसे क्योंकि रिसेंटली इंडिया की नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने गूगल क्रोम के लिए एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट इशू किया है, क्योंकि इन्होंने क्रोम में मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट किया, यानी क्रोम में कुछ ऐसे कोडिंग फ्लॉज को डिटेक्ट किया है जिससे हैकर्स किसी भी डिवाइस को इजीली क्रोम के थ्रू हैक कर सकते हैं। अब हालांकि गूगल क्रोम ने अपडेट्स भेजकर इन वल्नरेबिलिटीज को सॉल्व कर लिया है, लेकिन सर्ट द्वारा ऐसे हाई अलर्ट्स को इशू करना कोई पहला केस नहीं था। इसके पहले भी कई बार क्रोम को लेकर अलर्ट्स इशू हो चुके हैं, जैसे कि ये और 2020 में तो सर्ट ने क्रोम यूजर्स से एक्सटेंशन को तक अनइंस्टॉल करने की अर्जेंट वार्निंग इशू कर दी थी, क्योंकि वो क्रोम एक्सटेंशन यूजर्स के सेंसिटिव डेटा आउट एंड आउट स्टील कर रहे थे। अब ऑफ कोर्स इन सारे मैलिशियस एक्ट्स के बाद इंडियन एजेंसीज ने गूगल के खिलाफ कई प्रोब इनिशिएट किए और GBPS पेमेंट सिस्टम केस में तो CCI ने गूगल को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए कि ऐप डेवलपर्स को उनकी मर्जी के हिसाब से पेमेंट एग्रीगेटर्स चुनने की अनुमति दे दी जाए। इसके अलावा पेनल्टी इम्पोजिशन के बारे में तो हम पहले ही देख चुके हैं। बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इतने एक्टिव एक्शंस के बाद भी एक सवाल आता है कि इज इंडिया रियली साइबर सेफ?
Well, ये मेरे लिए भी पर्सनली काफी शॉकिंग था कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जिसमें 193 यूएन कंट्रीज को उनके साइबर सेफ्टी के बेसिस पर रैंक किया गया है, इस रैंकिंग में इंडिया 10th पोजीशन पर है, यानी नो डाउट इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट। और इंडिया को ये रैंकिंग ऐसे ही हासिल नहीं हुई है, इंडिया ने अपने साइबर इकोसिस्टम को फोर्टिफाई किया है कुछ सिक्योर स्टेप्स को लेकर। इंडिया अपने आप को साइबर थ्रेट से अपडेट और अलर्ट रखने के लिए रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस करते रहता है ताकि हम actively threats को counter कर सके। Ministry of Home Affairs ने recently Indian Cyber Crime Coordination Center IC4 को भी launch किया है, जिसका agenda यही होगा कि India के cyber center को cyber crimes और cyber terrorism से protected रखना। और India के पास botnets और malwares को ढूंढकर eliminate करने वाला भी एक center है, the Cyber स्वच्छता केंद्र, जो Indian cyber space में botnets और malwares को identify करके उन्हें eliminate करता है। So इसीलिए we can be kind of rest assured कि हमारा cyber स्पेस इतना भी वल्नरेबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के डिजिटल स्पेस को जीरो थ्रेट्स है। इंडिया को आज भी कुछ चीजों पर वर्क करना है, जैसे इंडिजिनस साइबर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज भी इंडिया मेजरली अपने साइबर टेक स्पेशली हार्डवेयर्स को दूसरे कंट्रीज से ही इंपोर्ट करता है। अब इन इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने से इंडिया पर सिक्योरिटी थ्रेट बना रहता है। और दूसरा स्ट्रेटेजिक एरिया है R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से इंडिया को कुछ स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज, जिसकी सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, हाई स्पीड नेटवर्किंग, एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा पर वर्क करके नए इनोवेटिव टेक्स को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज पर हमेशा ही डिपेंडेंट रहेंगे तो ये सारे सेक्टर्स पर अपनी मोनोपोलीज एस्टैब्लिश करके इंडियन कंपनीज को चांस ही नहीं देंगे। एंड प्लस, कितनी ही बड़ी एंड सीमिंगली ट्रस्टेड कंपनी ही क्यों ना हो, कैन यू रियली ट्रस्ट एनी कंपनी? क्योंकि माइंड यू, ये गूगल पर पहला कोई ऐसा केस नहीं है। इससे पहले भी 2 बार गूगल पर ऐसे पेनल्टीज इम्पोज हो चुके हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, एप्पल के खिलाफ भी एक सिमिलर केस CCI में फाइल हुआ था, विच क्लियरली शोज कि इंडिया को शायद अब अमेरिकन कंपनीज पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और अपने भी वर्जन को लॉन्च करना चाहिए एज ए कंपेटिटर। अब फ्रेंड्स, अगर मैं पर्सनली इस मुद्दे पर अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से फिर भी गूगल और यूट्यूब के पॉलिसीज फार बेटर है देन एनी अदर कंपेटिटर विच आई हैव कम अक्रॉस। मोस्ट ऑफ केसेस में मुझे गूगल और यूट्यूब, जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूं, इनके पॉलिसीज मुझे एथिकल और जस्ट लगे हैं एज कंपेयर टू अदर कंपेटिटर्स जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में। सो मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूं तो मेरे हिसाब से हाँ, मोनोपोलिस्टिक नेचर है कंपनी का, बट आई बिलीव उस लेवल पर सारे कंपनीज का नेचर मोनोपोलिस्टिक हो जाता है और वो गवर्नमेंट का वहां पे रोल आ जाता है उस चीज को कंट्रोल करने का, बिकॉज दिस इज समथिंग विच रियली हैपेंस इन एनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नॉट ट्राइंग टू से कि ये चीज सही है, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कंपनीज पर उस लेवल का प्रेशर होता है बिकॉज कंपेटिटर्स आर डूइंग एंड यू ऑलवेज हैव टू बी वन स्टेप फर्दर। बट विद दैट सेड, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट को गूगल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालने चाहिए ये मोनोपोलिस्टिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेल्फ लाइफ हैक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।